विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवसों में निश्चित रूप से प्रतिभाग करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न होने पाए। उन्होंने 1 नवम्बर से होने वाले धान खरीद की तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण आदि की समीक्षा किया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करते रहें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई कमी मिलती है तो इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा करते हुए पाया कि गोरखपुर में अभी तक 15, महाराजगंज में 17, देवरिया में 3 तथा कुशीनगर में 4 लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसान पारदर्शी योजना, विद्युत कनेक्शन का संयोजन, विद्युत आपूर्ति, गन्ना मूल्यन भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नई सड़कों के निर्माण, ई टेंडरिंग, गड्ढा मुक्त आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, कुशीनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, देवरिया के जिलाधिकारी अमित किशोर, CDO अनुज सिंह, देवरिया के CDO राजेश त्यागी, महाराजगंज, कुशीनगर के CDO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल और उसके बाद जेडी साहब के हैं, कक्षा 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा का वितरण। हमने जो पूछा था कि एम्बुलेंस में कितने
रही है।